इन चीजों के लिए हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए कल के दिन हमारे परमपूज्य सद्गुरुदेव जी ने सत्यजय सद्गुरुदेव जी का एक सपना था, मैं सिद्धाश्रम सारे परिवार की स्थापना कर रहा हूँ और मेरे खेल है कि आप सब लोग सिद्धाश्रम को आए। सिद्धाश्रम पहुंचे, मैं मेरे सारे को शिष्यों को सिद्धाश्रम ले जाना चाहता हूँ, एक गुरु जी का आगे दे उसके पीछे उनका चिंतन क्या था। उनका चिंतन यह था कि सिद्धाश्रम अगर तुम पहुंचो तो तुम्हारा शरीर वज्रकाय होगा, तुम्हारे शरीर से तुम लोग कल्याण कर सकोगे, देश का कल्याण कर सकोगे। लेकिन सिद्धाश्रम के पास जाने की क्रिया, सिद्धाश्रम को जाने के लिए जो तपस्या जो साधना चाहिए उन साधनाओं का एकदम से एकदम साधना पूर्ण समाप्त हो गई और उस साधना को करने वाले नहीं रहे, उन साधनाओं को जानने वाले नहीं रहे और साधना करने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई थी उसे जला दिया गया, साधने बोलने वाले जो गुरुकुल थे उन गुरुकुलों का नष्ट कर दिया गया। उन सभी को करने के बाद हमारे पास तपस्या चलेगी। पहले तो हम इसी राज्य में गुलाम बनकर जीने लगे, बाद में अंग्रेजों के पास नौकरी करते हुए गुलाम हुए और हमने हमारे साधना का जो मार्ग था उसे भुला दिया। हम वृत्ति से वृत्ति करते हुए जीते थे, हम नौकरी नहीं करते थे, कर्म करते थे। हमारे पास एक एक हुनर था, कपड़े बोने वाला हो, आयुर्वेद करने वाला हो, नाई हो, जो कोई भी कर्म करने वाले हो वो अपने स्वतंत्रता के साथ कर्म करते थे और स्वतंत्रता के साथ जीते थे, कोई किसी का गुलाम बनकर नहीं रहते थे। लेकिन गुलामी ये लोगों ने सिखाई हमें, हम आज नौकरी को ढूंढते हैं, नौकरी को देकर देते हैं, लेकिन जिसके पास स्वतंत्र रुचि हो, स्वतंत्रता का टैलेंट हो, वो किसी के पास नौकरी करने की बात नहीं सोचता, तब होता है। लेकिन हजारों साल होने के कारण हम आज उस रुचि में पड़ गए हैं कि हमें नौकरी करना ही अच्छा लगता है। नौकरी करो, महीने को तनख्वाह के ले लो, सुधर नहीं होंगे दूसरा काम करो। लेकिन ऐसा नहीं था, हम जब तक कर्म करने वाले थे तब तक हम स्वतंत्र थे। सच्ची स्वतंत्रता तो वो है जो कर्म की पूजा करता है, जो कर्म को ही पूजा मानता है, अपने पास एक टैलेंट रख लेकर चलता है वो स्वतंत्र है, और जो नौकरी करता है वो कैसे स्वतंत्र है। नौकरी नौ प्रकार के करने वाले को नौकरी कहा गया। वो नौ प्रकार के करना क्या है? एक वो जो बोलता है बस उसकी सुनना, दूसरा वो जो सैलरी देता है वही लेना, ज्यादा कुछ नहीं सकते, वो जो काम करता है वही काम बोलता है वही काम करना, वो जहाँ बैठो बोलता है वहीं बैठना, वो कहता है कि महीने भर के बाद इतने पैसा रहे, महीने भर के पैसा, इस प्रकार के नौ प्रकार के कार्य करने को नौकरी कहा गया। और हम वो नौकरी कर रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं, हम स्वतंत्र कहाँ है? हम इस स्वतंत्रता को चाहिए तो हमें किस देवता की साधना को चाहिए? आज आप कहो या तो सिद्धाश्रम में रहने वाले या हिमालय में रहने गुफाओं में रहने वाले साधु या जीते हजारों सालों से जी रहे हैं, क्या उनमें जीने की क्षमता नहीं? वो किस तरह जी रहे हैं? क्या नौकरी करके जी रहे हैं? वो कौन सा ज्ञान है जो वहां जी सकते हैं? बहुत बार मैंने आपको भी कहा है, परमपूज्य सद्गुरुदेव की कृपा से आज भी मैं आपको अपने जगत में ले जाता हूँ तो आपको मेरे साथ जितने भी दिन रहेंगे आपको विश्राम भोजन करवा के खिलाने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि आपको सुख सुविधाएं दे सकता हूँ क्योंकि गुरु कृपा है, साधना का मार्ग मैंने अपनाया है। आपको भी कहता हूँ आप अपने लिए जीना तो पशु भी जीता, आहार निद्रा भय मेचरण से पशु भी नाम एक ही समान है, पशु भी और घर में एक ही समान है, खाना सोना बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये पशुओं में और हमारे में समान है। हमारे में ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, ज्ञान को किस प्रकार का ज्ञान करके चलना चाहिए, ये जब तक ज्ञान नहीं होता हम आगे कार्य नहीं कर सकते। मैं एक बार की बात है, आज माया शिव जी के पास गई और शिव जी को भगवान नारद जी आए और शिव जी के पास बैठे, आज माया के पास बैठे हुए थे, तो आज माया सती के रूप में वहां बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि माँ शिव जी कहाँ है? बोले शिव जी समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। बोले माँ देख कितना निर्गंध नदी है हिमालय में, उसको ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं होती, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कितना मस्त आदमी है, न कपड़ों की चिंता है, कोई व्याकरण पर मिला को डाल लेता है, भस्मों को धारण कर लेता, उसके सिर पे गंगा बैठी हुई है, कभी मरता ही नहीं और माँ तो बार बार मरती है,
कभी सड़क हुई, कभी भागती हुई, कभी दौड़ी हुई, कोई और बार बार मर के जन्म रही थी। कभी तुझे की पत्नी होकर भी कभी तुमने जिसको उसको ज्ञान दिया, माता पार्वती नारद पहले झगड़े लगाने वाले, पति पत्नी में झगड़ा लगाने वाले नंबर वन, या किसी में झगड़ा लगाने वाले भी नारद का नाम लो तो झगड़ा पैदा हो जाता। कहते हैं नाम भी ले लो तो झगड़े शुरू हो जाते। तो विभीषण की प्रेरणा के उस कार्य के पीछे कोई कोई लोक कल्याण होता। अब माता पार्वती को लगा कि नारद तो सच कहता, हम स्त्रियां पत्नियां वो सदाशिव सदाशिव है, सदा रहने वाले शिव है, हमारे को कोई सदा पार्वती नहीं कहता, हमारे कोई सदा माया नहीं कहता, और उनको तो कहता है। माता पार्वती गई शिवजी के पास, समाधि से बैठे हुए थे, जोर से हिलाया। अब शिव को पता चला कि अगर मेरी समाधि टूटने की बात करते हैं बहुत गुस्से में है, उसने कोई गुस्सा तो उसको मेरे ऊपर है। बोले क्या बात है भाई, तुम मेरी समाधि के पीछे क्यों लगी हुई? बोले ये बात बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी अर्धांगिनी हूँ, इतना सब जानते हुए कितनी बार कैसे तुमने वीर रूप में कभी गौरी कभी पार्वती कभी सीता सती के रूप में तुमने शादी करी और हर बार मांगते रहे, तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, ये क्या कारण है ये भी मुझे बताते नहीं। और बोलो तुम शिवा शिव है तो मैं शिवा, तुम ब्रह्मा है तो मैं सावित्री, तुम विष्णु है तो मैं लक्ष्मी, तुम इंद्र है तो मैं इंद्राणी, तुम पुरुष है तो मैं प्रकृति, इतना सब मुझे हुए भी मैं ही मानती हूँ बार बार और तुम वैसे ही रहते हो, इसका कारण क्या है? शिव हंसे और बोले तू प्रकृति है ये बात मानती है, लेकिन इससे पहले भी एक शून्य है, क्या तू शून्य को जानती है? माता पार्वती सत्य ने कहा शून्य क्या है? शून्य है वो जो जिसके ऊपर एक परत डाली हुई है, उसे माया कहा गया, और वो आदिमाया मात्र है, आदिमाया के ऊपर ही शून्य है, और उस शून्य को पुरुष कहा जाता है। और जब ये परत आदिमाया का आता है, ये लोग मिलते हैं तो सत्यता प्राप्त करते हैं। उसने कहा बिना मेरे स्त्री के उठे एक मनुष्य को बता दे जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हुआ, एक मनुष्य को बता दे बिना मेरे को हुआ है। भगवान शिव हसे, शिव हसे और नारद के गुरु देखे। नारद ने कहा कि क्या बात है भाई, तू ये क्या झगड़ा लगा दिया हमारे पीछे? नारद नहीं प्रभु, मैंने क्या किया है, मैंने तो ज्ञान देने की बात कही, अरे तेरे ज्ञान देने की खोपड़ी अब मेरे मेरे पीछे लग गई है, इसको कैसा इसको संभालना कैसा, मैं क्या करना चाहिए? माता पार्वती तो हट लेकर बैठी हुई थी कि तू बता दो कि मेरे बगैर भी तुम्हारी ये प्रकृति तुम्हारी ये चालना चलती है क्या? शिव जी ने कहा मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी को छूकर उन्होंने अवतार लिया है, और जब वो अवतार लिए हैं तब इस प्रकृति को संचालन करने के लिए, लेकिन क्यों कि प्रकृति को चलाने वाला एक आदमी चाहिए, और प्रकृति पहले प्रकृति हुई या पहले पुरुष हुआ इसका ज्ञान तो किसी को है नहीं, और इस पुरुष को प्रकृति को चलाने के लिए पुरुष चाहिए, और यह पुरुष यह जो पुरुष की प्रकृति है इसको चलाने के लिए भगवान विष्णु भी अपना अवतार लिए। और तुझे आज बताता हूं इस संसार में यहां से या यहां से सिद्धवन नाम का वन है, वहां एक व्यक्ति तो बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के पास जाकर तू बता दे कि मैं आदिमाया हूं, और उसे कह देना कि हे पुरुष क्या तू बिना स्त्री के जी सकता है, बिना स्त्री के रह सकता है? उसका जवाब लेकर तू मेरे पास आ। सिद्धवन को आदिमाया सती गई और देखी क्या है कि एक बार सूर्य है चक्र है, वहां उजाला ही उजाला है, उसको लगा कि उजाला कहां से आ रहा है, देखी क्या है कि पुरुष बैठा हुआ, वो पुरुष जिससे कि शरीर से उजाला आ रहा है, उसने देखकर सती मां गई और कहा कि यह पुरुष तो कौन है? और उन्होंने देखा कि उस पुरुष के उस उजाले के सामने माता आदिमाया का भी जो उज्ज्वल शरीर है वो भी लगता है जैसा उसकी कला विहीन हो गई, कला क्षीण हो गई। तो मुझे लगा कि ये कुछ दिव्य पुरुष होगा, वो बात नहीं कर रहा था। बाद में उन्होंने कहा मैं यहाँ शिव की आज्ञा से आई हूँ, बता दे तू कौन है? वो उठा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा मैं गोरक्षनाथ हूँ। गो का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इस संसार की प्रकृति की रक्षा करने वाला,
के नाना प्रकार के अर्थ लगाए जाते हैं। पृथ्वी की रक्षा करने वाले को भी गोरक्ष कहा गया है, गौ से उत्पन्न वाले को भी। हमारे पास छोटी सी कहानी माता है, मालूम है कि गोरखनाथ उकीड़ा से यानी गोबर से पैदा हुए थे, लेकिन गोरक्षनाथ एक ऐसा नाथ संप्रदाय है जिसके बारे में किसी श्रेष्ठता कितने भी कहें हम कम समझे जाते हैं। उस गोरक्षनाथ ने कहा कि मैं गोरक्षनाथ हूँ और यहाँ शिव जी के अपने पर तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कितने दिन से यहाँ हो, तो वो तो मुझे नहीं मालूम, शिव की आज्ञा से बैठा हुआ। तुम्हारी स्त्री कौन है? उन्होंने कहा ये भी मुझे नहीं मालूम, मेरे पास स्त्री की आवश्यकता मुझे है ही नहीं, मुझे तो कार्य करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने उनके साथ दोनों का वाद विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि बिना आदिमाया शक्ति के केवल शिव तत्व को लेकर मैं यहाँ पृथ्वी का और सारे संसार का संचालन करता हूँ, रक्षण करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम गोरक्षनाथ कहा गया है। माता पार्वती को झटका लगा, वो शिव जी के पास आई और कहा वो कौन व्यक्ति थे? वो तो कह रहा है कि उसके साथ कोई स्त्री है ही नहीं, बिना स्त्री के जीता है। देवी पार्वती तूने जब अब कहा था कि शिव के साथ शिवा है, विष्णु के साथ वैष्णवी है, ब्रह्मा के साथ सावित्री है, इंद्र के साथ इंद्राणी है, तो कैसा ऐसा पुरुष भी है जो तेरे शिवा जीता है और वो वहाँ इस पृथ्वी का संचार करता है, ऐसा भी पुरुष इस संसार में है। और जब उस सिद्धांत की बात हुई तो उस सिद्धांत में बैठे हुए उस पुरुष को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ है जो विष्णु वंश के रूप में कहलाए जाते हैं और मैं आदिगुरु सदाशिव आदिनाथ शिव का अंश हूँ। ये सिद्धवन कहाँ रहता है और सिद्धवन की चेष्टा क्या है? तो कहते हैं कि सिद्धवन पूर्ण प्रकृति को कंट्रोल करता है। प्रकृति को प्रकृति पे जब आपदा आती है तो यहाँ से ऐसे पुरुषों की सृष्टि होकर जाती है वो फिर प्रकृति को उसी तरह संचार करके कंट्रोल करके रखते हैं, ऐसे यहाँ की उत्पत्ति है। यही सिद्धवन जब यहाँ रहा तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि तू ही इतना श्रेष्ठ है तो मच्छिंद्रनाथ और कितने श्रेष्ठ होंगे? तो उन्होंने कहा उनका दर्शन आपको लेना है तो उनके गुरु के पास जाना होगा। बोले उनके भी गुरु हैं? हाँ उनके गुरु है। कौन? तो उन्होंने उनके गुरु है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भी उनके गुरु है। जो भी अपने जीवन में, दत्तात्रेय भी अपने अपने जीवनों से उन्होंने संसार में जन्म लिया है, चाहे गांगापुर के आपको छोटे छोटे अभी जिनका अंश हुआ है बीनापुर के वल्लभ नरसिंह सरस्वती, ये सारे लोग ब्रह्मचारी हुए और यहाँ इनकी कई शादियाँ हुई ऐसा अपने को मालूम नहीं, प्रतीत नहीं होता, लेकिन दत्त अनघा व्रत में अनघा नाम की शक्ति उनकी शक्ति कहलाई जाती है। लेकिन दत्तात्रेय भी इस तरह के देवता है जो इस संसार में प्रकृति और पुरुष को कंट्रोल करने का वाले जाते हैं और उस सिद्धवन के आदिदाता भगवान दत्तात्रेय मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ कहा गया। वही सिद्धवन आगे चलकर सिद्धाश्रम हुआ। जो लोग गोरक्षनाथ पंथ को, नाथ पंथ को और जो दत्त पंथ को और जो मच्छिंद्रनाथ और शिव के पंथ को जानते हैं, शिव के योग को जानते हैं, वो लोग सिद्धाश्रम के सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने के अधिकारी होते हैं। तब माता पार्वती ने कहा इतना सब रहस्य लेकर तुम बैठे हो तो क्या हमारा अस्तित्व नहीं रखते? तब शिव जी ने कहा कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए बोलता हूँ पार्वती, हम जरूर जाएंगे, चलो। और माता पार्वती को उन्होंने अश की अमरनाथ गुफा को लेकर वो अमृत की सिद्धि प्रदान की, जहाँ अमरनाथ में माता को अमृत की सिद्धि प्राप्त करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह अमर हुआ जाता है। और जिस दिन माता पार्वती अमर हुई उस दिन उन्होंने अपने दस महाविद्यादेश अवतार लिए और वह सिद्धाश्रम के अधिष्ठात्री देवता बनकर कहने लगे कि जो आज से तीन महाविद्याएं सिद्ध करता है उसी को सिद्धाश्रम प्रवेश है, ऐसा उन्होंने कहा। यह एक रहस्य की बात, माता पार्वती सिद्धाश्रम के अधिष्ठात्री देवता दस महाविद्याओं के रूप में भी, शिव गोरक्षनाथ हो, दत्तात्रेय हो, मच्छिंद्रनाथ हो, इस प्रकार हुए। हमारे जीवन में अगर हम कोई श्रेष्ठता चाहते हैं, हम श्रेष्ठता से जीना चाहते हैं, तो हमें गुरु जी क्यों बार बार कहा करते थे? मुझे भी लगता था इस संसार में इतने सारे अन्याय हुए, इतने स्त्रियों को लूटा गया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, ये सब लोग सिद्धों सिद्धाश्रम बढ़कर क्या करते थे, इसके पीछे क्या राज था? यह भी मैंने मालूम करने के लिए बहुत प्रयत्न किया और आज भी प्रयत्न करता हूँ। लेकिन जब सिद्धाश्रम के एक योगी ने एक छोटी सी कथा सुनाई, उन्होंने कहा
गोरखनाथ जी और उनके मित्र थे भर्तृहरिनाथ, जो जिन्होंने श्रृंगार पे, वैराग्य पे और नीति पे अपनी बहुत बड़ी कविताएं लिखी हैं या श्लोक लिखे हैं। श्रृंगार साहित्य भी उनका है, वैराग्य साहित्य भी उनका है और उन्हें बहुत भर्तृहरिनाथ कह रहे हैं, पहले राजा थे। एक दिन भर्तृहरिनाथ और गोरखनाथ बैठे हुए थे तो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण जो काशी में रहा करते थे, कश्मीर में रहा करते थे, उनको संतान नहीं थी, तो दोनों मिलकर भर्तृहरिनाथ के पास और गोरखनाथ के पास गए और कहा कि हमें संतान नहीं हो रही है, आप संतान के लिए हमें कुछ ना कुछ आज्ञा दो, आप असंभव को संभव करने वाले महान योगी कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये देख बेटा, मैं यहाँ ये धान दे रहा हूँ जिसमें चावल होता है, धान धान दे रहा हूँ, साड़ी जिसे मराठी में साड़ी कहते हैं, तो उसको दे रहा हूँ, तू इसे कूट दे, कूट के कूटने के बाद जब ये कनकी बन जाए, यानी उसके ऊपर का भूसा निकल जाए, चावल आ जाए और चावल कनकी हो जाए, तो उस दिन तुझे संतान जरूर होगी, तू इसे कूटना और जब मैं आऊंगा तो तू तेरा काम जरूर हो जाएगा, तुझे संतान हो जाएगी। वो ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी दोनों भी उस धान को लिए थोड़े मुट्ठी भर तो जाने थे, कूटने लगे, कूटने लगे तो क्या हुआ, जितना भी कूटते जाते थे उसमें से भूसा इतना निकलता गया कि ये रूम के उतना भूसा निकला, लेकिन चावल कनकी बनने का नाम ही नहीं लेता, चावल जैसा का वैसा ही रहा। थक गए दोनों भी और उन्होंने इंतजार किया कि प्रभु हमारी क्या परीक्षा है, आपने ये देखा एक तरफ चावल की ढेर बन रही है लेकिन चावल कनकी नहीं बन रहा है, एक तरफ भूसा का ढेर बन रहा है, भूसा बन रहा है लेकिन चावल कनकी नहीं हो रही, इतना कूटने के बाद। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फिर उन दोनों की प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या चमत्कार है, हमारे पास तो ये हुआ ही नहीं, ये हमारी सत्ता होने की बात, तो हम इसको चावल को कनकी नहीं कर सके, कनकी नहीं हो सके तो हमें सत्ता नहीं होगी, अब आगे आप बताओ क्या करना है। तो उतने में गोरखनाथ और भर्तृहरिनाथ दोनों भी आए, बोले क्या हुआ प्रभु, आपने तो कहा था कि चावल को ऐसा कूटो कि कनकी हो जाए, कनकी नहीं हुई, देखो यहाँ तो भूसा इतना पड़ा हुआ है, यहाँ इतना चावल पड़ा हुआ है, इतना चावल आया ये और ये कनकी नहीं हुई। उन दोनों ने हंसे और भर्तृहरिनाथ पे नाथ ने चावल पे हाथ रखा और गोरखनाथ ने भूसे पे हाथ रखा और कहा बेटा इस भूसे को जरा पूरा निकाल दे, भूसे को निकाल दे, उन्होंने कहा इस चावल को निकाल दे, देखते क्या है कि चावल को निकालने के बाद एक बच्चा उसमें से पैदा हुआ जो 12 साल का था और भूसा निकाला तो उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ। ये ऐसे श्रेष्ठ गुरु तत्व को लेकर चलने वाले वो लोग दोनों आए और जब वो दोनों बाहर आए थे, एक का नाम भूसा नाथ रखा, एक का नाम रखा भातनाथ। ये दोनों भी बाहर आए तो उनको दीक्षा दी, उन्होंने कहा प्रभु जब आप इतनी शक्ति रखते हैं, ये दोनों संतान इतने हमारे लिए दिए भी होगी लेकिन ये आपके शिष्य बन जाए तो हमारे लिए अच्छा है। उन दोनों ने उन दोनों को दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा कि आज तुम आपके पादुकाएं यहाँ रखी जाएगी और रोज तुम शनिवार के दिन एक बड़ा रोट बनाया करो, रोट का अर्थ होता है रोटी बनाना, एक बहुत घी की बड़ी रोटी बनाना, उसके ऊपर घी रखकर रात में नैवेद्य रखा करो और सुबह सभी को बांट दिया करो, बांट दिया करो। ये बात चली आगे हुई तो काम क्या था कि भातनाथ बोलने वाला जो था वो गौवे चराने जाता था और यह रोट बनाकर खिलाता था। तो वहां बात एक दिन क्या हुई कि रोज रविवार के दिन आने के बाद सुबह ही गौ को लेकर चला जाता था और रात में आने के बाद अपने रोट का प्रसाद दिया होता था, लेकिन गलती से एक दिन क्या हुआ, रोट बांटते बांटते रोट समाप्त हो गया और रोट नहीं रखा। जब ये रात में आए भातनाथ तो उन्होंने कहा मेरा प्रसाद कहाँ है, तो उन्होंने कहा गलती से भाई रोटी बांट दिया है, नहीं हुआ ठीक है, पहले रविवार ऐसा हुआ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन दूसरे रविवार में भी ऐसा ही हुआ प्रसाद नहीं रहा और तीसरे रविवार में जब नहीं रहा तो उनका सर टंका माथा टंका, बोले तू भोला बोल के मुझे प्रसाद नहीं दे रहा है, अब देख तू मेरे मुझे प्रसाद नहीं दे रहा है इसका भी तू समझता क्या है, तुझे मैं प्रसाद नहीं प्राप्त कर सकूंगा, अरे ऐसे प्रसाद तो मैं कितने भी तैयार कर सकता हूँ, मुझे मेरे पर गुरु कृपा है। और उन्होंने एक छोटा पत्थर का टुकड़ा लिया और ऐसा फेंक दिया, फेंक के देखते हैं वो रोड का टुकड़ा बन गया,
हमें इस तरह मैं प्रसाद को सिद्ध कर सकता हूँ। तो ने क्या तू क्या प्रसाद सिद्ध करता है, तू इस रोड के टुकड़े की बात करता है, तू ये प्रसाद यहाँ दे ले, यहाँ कुछ भी कर ले, मैं तो गुरुपादुकाओं को लेकर चला, देख अब मैं कैसा करता हूँ। उसने एकदम एक पहाड़ को ही टुकड़ा बना दिया और पहाड़ के ऊपर गुरुपादुकाएं ली और आकाश में उड़ गया। अब ये जो भातना देखते रहा और भूसा रात भागते हुए चला गया। जब इन दोनों का द्वंद चला, गुस्से में युगों में आकर दोनों भी लड़ने झगड़ने लगे, तो ये बात गोरक्षनाथ को मालूम। गोरक्षनाथ को जब मालूम हुई तो ये आकाश में उड़ते जा रहा था, क्योंकि जगह देखकर अच्छी जगह अपना अपना स्थान बना ले और अपने गुरु पादुकाओं पर रोटी बना लेकर रोड बनाकर गुरु कार्य करें। तब गोरक्षनाथ आए और उसने कहा तुम क्या कर रहे हो। बोले प्रभु वो मेरे से रोज झगड़ता है, एक दिन प्रसाद नहीं किया तो उसको उतना गुस्सा आया और उसने मुझे भरी भरी बुरी बातें कही, इससे मैं मेरे पादुकाओं को लेकर मैं आगे जा रहा हूँ। बोले आकाश में उड़ रहा है, नीचे कैसे उतरेगा। उन्होंने देखा कि नीचे खाई है, पानी है, समुद्र है, नीचे उतरेगा कैसे, अब कैसा होगा। हाँ प्रभु कैसे होगा, वो तो बाहर खड़े हैं। गोरखनाथ कह रहे हैं किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना होता है। गुरु के नाम पर झगड़ते हो, गुरु के नाम पर झगड़ कर इस सारी चीजों को करते हो। देख अब तो तुझे मैं यहाँ छोड़कर चला गया तो तू कहीं का नहीं रहेगा, जैसे कृष्ण का स्वर्ग था वैसे ही रह जाना पड़ेगा, न यहाँ कोई आ सकेगा न तू यहाँ से उतर सकेगा, पहाड़ तो ऊपर ही ऊपर है। तब उन्होंने गोरक्षनाथ के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि मेरे से गलती हो गई, अब आप ही मुझे बसा दो जहाँ बसाना है।